मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 12 चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ ए इज इक्वल टू 3 1 माइनस 4 माइनस 1 देन प्रूव दैट ए की पावर एन इक्वल 1 प्लस 2 एन एन माइनस 4 एन 1 माइनस 2 एन वेयर एन इज एन ए पॉजिटिव इंटीजर। ये भी पीएमआई का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के तीनों क्वेश्चन पीएमआई के ही थे, ठीक है। दो हो चुके हैं, अब थर्ड देखते हैं, तो इसको भी इसी तरीके से करेंगे। देखिए वही है कि मैंने पहले मैट्रिक्स को लिख लिया यहाँ पे, और जो हमें गिवेन है उसको हमने पी एन के इक्वल मान लिया, ठीक है। अब इसमें स्टेप वन क्या होता है, अब तो बच्चों आपको याद हो गया होगा कि क्या क्या करना है पी एम आई में। स्टेप वन, एन इक्वल वन के लिए तो आप ए की जगह मतलब एन की जगह वन पुट करोगे, तो देखिए वन प्लस टू इंटू वन माइनस फोर इंटू वन 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 माइनस टू इंटू वन ऐसा कुछ आएगा। इसको सॉल्व करिए ज़रा, थ्री माइनस फोर, ठीक है, और ये वन और ये बचेगा माइनस का वन। क्या देख रहे हैं आप, ये ए के इक्वल है ना, विच इज़ इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हुआ कि पी वन इज़ ट्रू, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो पी वन इज़ ट्रू। तो फर्स्ट स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप टू, नाउ लेट इट इज़ ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। हम मानते हैं कि इसको सम पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू मान रहे हैं हम, तो जब हम इसे के लिए ट्रू मानेंगे उसका मतलब क्या है कि जहाँ पे n लिखा हुआ है बच्चों वहाँ पे k आ जाएगा बस, वन प्लस टू के माइनस का फोर के वन माइनस का टू के ऐसा कुछ, ठीक है। इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर वन। हर बार यही हो रहा है। स्टेप थ्री, ये स्टेप थ्री ही इम्पॉर्टेंट होता है कि वी हैव टू प्रूव फॉर पी के प्लस वन। अब हमें इसे के प्लस वन के लिए ट्रू प्रूफ करना होता है। तो बच्चों मैं पहले भी कई बार बता चुका कि आप इसमें क्या करेंगे कि जहाँ के है वहाँ पे मतलब एन की जगह आप के प्लस वन पुट करेंगे, तो ए के प्लस वन आएगा, फिर आप इसको अलग अलग लिखेंगे ए के और ए, इस तरीके से लिख सकते हैं, और ए के की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर वन से उठा लेंगे, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगी 2k और a की वैल्यू 3 1 माइनस 4 माइनस 1, ये दो मैट्रिक्स आ गए इस तरीके से, ठीक। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि हमें जो प्रूफ करके लाना है उसका पता कैसे चलेगा। देखिए जैसे मैंने बताया था कि क्या करते हैं हम रफ में ये करके देख लेते हैं कि यहाँ पे n की जगह k प्लस वन रख के देख लो आप, तो आपको ये पता चल जाएगा कि लाना क्या है। देखिए वन प्लस टू के प्लस वन, जहाँ n है वहाँ मैंने बस k प्लस वन रख दिया, ठीक है, और चाहे तो बुक से देख लो चाहे यहाँ देख लो, तो यहाँ पे k की जगह k प्लस वन आ गया, यहाँ पे देखिए माइनस फोर के है, तो यहाँ माइनस फोर के प्लस वन हो गया, नीचे k प्लस वन हो जाएगा और वन माइनस टू के प्लस वन, ये कुछ आया इस तरीके का। देखिए ये सब रफ की कैलकुलेशन है, तो आप देख रहे हैं अभी इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो थोड़ा सा आपको और आसान लगेगा। जैसे 1 प्लस 2k प्लस 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, माइनस 4k माइनस 4 के प्लस 1 1 माइनस 2k माइनस 2, यानी कि जब हम ये अभी करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमें कुछ ऐसी फॉर्म मिल गई तो हम उससे ये बना सकते हैं, और ये हमारा आर एच एस के इक्वल आ जाएगा कि जब n की वैल्यू k प्लस वन है। तो मतलब ये एक ट्रिक होती है करने की क्वेश्चन को, इससे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने साइड में रफ में कर लिया पहले तो आपको पता चल गया कि मुझे ये लेके आना है, फिर क्वेश्चन बहुत आसान है। अब देखिए मल्टीप्लाई पे आते हैं वापस, अब अपनी मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। तो मल्टीप्लाई तो हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही तो करते हैं, तो थ्री के आप इससे करेंगे तो थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की, फिर माइनस फोर के किससे होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का फोर के। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया बच्चों, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो देखिए माइनस फोर किससे हो रही है, माइनस फोर माइनस एट के, और इसकी इससे होगी तो प्लस फोर के आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो थ्री के और इसकी होगी तो ये वन माइनस टू के हो गया, ठीक। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम देखिए, माइनस फोर के और ये इसकी इससे होगी तो माइनस
वन प्लस टू के, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो ये कुछ आया, अब आप देखिए, हमारे दिमाग में ये रहना है कि हमें ऐसा कुछ लेके आना है, तो अब हम उसी हिसाब से इसको करते रहेंगे। जैसे थ्री हुआ तो ये सिक्स प्लस फोर के हो गया बच्चों आपका टू के, ये कितना होगा माइनस का फोर माइनस का फोर के, ये कितना आया के प्लस वन, अच्छा ये कितना आएगा माइनस टू के माइनस वन। अब आप क्या देख रहे हैं, इसमें और इसमें कितना अंतर है, वो जो अंतर है उसमें ही लिख दीजिए। जैसे 2k प्लस थ्री है, यहाँ 2k प्लस टू प्लस वन लिखा है, तो इसको ब्रेक कर दीजिए, 2k प्लस टू प्लस वन लिख सकते हैं ना। इसको आप माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए, k प्लस वन हो जाएगा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा k प्लस वन भी ठीक लिखा है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ये और मैनिपुलेट करना है। वो कैसे करना है, इस फॉर्म में माइनस टू के माइनस टू और वन प्लस का, ठीक है, ये फॉर्म चाहिए आपको। तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस टू के और माइनस वन है, तो कैसे लिखूँ मैं माइनस टू के, मैं इस माइनस वन की जगह क्या माइनस टू प्लस वन लिख सकता हूँ, बताओ बच्चों, क्योंकि माइनस टू में से बन जाएगा तो माइनस का वन ही बचेगा, ठीक है। अब यह ऐसा लिखने से क्या बेनिफिट हुआ वो भी देख लीजिए। अब आप यहाँ देखिए, इन दोनों में मैंने टू कॉमन लिया तो के प्लस वन आ गया, ठीक है, और प्लस का वन ये अलग ही लिखा है, ठीक। ये माइनस का फोर के प्लस वन, ये ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये k प्लस वन ये भी सही लिखा है। लास्ट वाला ये है, इसमें देखिए माइनस का टू कॉमन ले लीजिए आप, तो k प्लस वन हो जाएगा और प्लस का वन, ठीक। अब देखिए क्या जो प्रूफ करके लाना था उससे मिल रहा है, देखिए यहाँ देखिए, बस ये है कि वन को पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो, तो वो थोड़ा ये तो इधर उधर ये हो सकता है, तो ये बिल्कुल मैच हो रहा है। या मैं एक स्टेप और आगे इसको, अब ये देखिए मैंने बिल्कुल उसी फॉर्म में इसको लिख दिया जैसा हमें लेके आना था, मैं वन को पहले लिख दिया उसको लिख दिया। आप समझ गए ना आप क्वेश्चन कितना आसान, आप क्या लिखना है भाई इसके बाद, वही विच इज इक्वल टू आर एच एस वेन एन इज इक्वल टू के प्लस वन। ये लाइन तो सिमिलर है बच्चों, अब याद हो गई होगी आपको, सी सो पी के प्लस वन इज ट्रू, हेंस बाय पी एम आई पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल से जुड़े सभी अपडेट उनको मिलते रहें।